मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो नीट का एग्जाम हुआ था, तो सारे बच्चे उसमें परेशान हैं, हाउ टू यू नो गो फॉर द काउंसलिंग, व्हाई दिस एमसीसी इज नॉट टेलिंग एनीथिंग, जो एक डाउट है लोगों को कि काउंसलिंग कब होगा, कुछ तो बोले एमसीसी मेडिकल काउंसिल कमेटी। तो इसके बारे में बड़ा मिन्नते करने के बाद, इतना यूट्यूब वीडियो बनाने के बाद बच्चों का हाई तौबा पूरे ट्विटर पे मच रहा है। तब आज एक नोटिस दिया है, अटेंशन यूजी कैंडिडेट्स, इन्होंने रेफरेंस दिया है, 10 तारीख का नोटिस है, मुझे अभी करण ने मुझे लगता है भेजा है उनियाल ने, ऑल कैंडिडेट्स डिजायरिंग टू पार्टिसिपेट इन नीट यूजी 2021 काउंसलिंग आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट ऑफिस मेमोरेंडम नंबर C180/18/2015 ME-22 डेटेड 37/2021 कॉपी इनक्लोज्ड इज अंडर चैलेंज इन WP ब्रैकेट में CA नंबर 961 ऑफ 2021 बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। व्हाइट ऑर्डर डेटेड 25 नवंबर 2021 इन दिस मैटर द हियरिंग ऑफ द प्रोसीडिंग शैल बी लिस्टेड ऑन 6 जनवरी 2022। दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन टू कैंडिडेट इशूड विद अप्रूवल ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी। यानी 6 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट इसकी हियरिंग करेगा और सुप्रीम कोर्ट हियरिंग करने के बाद ही काउंसलिंग के रिलेटेड न्यूज होगा और उस दिन डिसीजन दे देगा, तो होगा नहीं तो और टल सकता है। तो पूरी की पूरी काउंसलिंग आपकी टलने वाली है। 6 जनवरी तक तो रिलैक्स हो जाइए, पढ़ाई उढ़ाई कर लीजिए। जो बॉर्डर लाइन पे बच्चे हैं, सारे बॉर्डर लाइन वाले बच्चों को पढ़ाई करना चाहिए और आपका जो समय निकल जाएगा ना जिंदगी का, वो वापस नहीं आएगा। तो बेटा सब लोग शुरू हो जाओ और पढ़ाई शुरू कर दो, बॉर्डर लाइन वाले टेंशन खत्म करो। उत्तराखंड के बच्चों के लिए अच्छी न्यूज है क्योंकि वहां पे अल्मोड़ा के लिए उनको टाइम मिल गया। अल्मोड़ा की लिए आप लोग दोबारा से काम करना स्टार्ट करो, थोड़ा और कैंपेनिंग स्टार्ट करो, तेज करो इस जोश को। सो ये मैं नोटिस आपके स्क्रीन पे रिक्वेस्ट करता हूँ सर से, अगर लगा दें। सो थैंक यू वेरी मच।